क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज़ फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए जलवायु लचनशील फसली किस्में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अगर अपने बात करें तो जलवायु परिवर्तन, ठीक है, यानी क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसका कृषि के ऊपर या एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर अपने मॉडर्न ईयर्स की बात करें या आधुनिक वर्षों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और इसकी जो वेरिएशन है या विविधता है उसका इंडियन फार्मिंग के ऊपर या भारतीय कृषि के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और ये एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्रॉप है उसकी यील्ड के ऊपर या क्वालिटी के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये एक समस्या है या एक प्रॉब्लम है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आती है। ठीक है, अब जो मौसमी विषमताएं होती हैं या सीजनल वेरिएशंस होती हैं, है ना, आपको पता होगा सीजन्स जो हैं वो परिवर्तित होते हैं हर साल, और इनकी वजह जो मौसम है या हम कह सकते हैं कि जो जलवायु है वो एक सी नहीं रहती है, हर साल परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, उसका कृषि के ऊपर या एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है या इफेक्ट पड़ता है। तो कौन कौन से प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से क्लाइमेट चेंज जो है या मौसमी विषमताएं हैं जो कृषि को या एग्रीकल्चर को प्रभावित करेंगी, तो इसमें सबसे पहला है जैसे परिवर्तित औसत तापमान, चेंज इन एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर दिन का जो तापमान है वो एक ही तरह का रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेनफॉल हो गया, वर्षा हो गई, तो तापमान जो है दिन का वो कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए पूरी तरह से ड्राई डे है, जो दिन है वो बिल्कुल सूखा है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इन चीज़ों का क्रॉप प्लांट्स के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है वर्षा या रेनफॉल जो है, तो रेनफॉल मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा हो गई, है ना, किसी दिन, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है, तो वाटर लॉगिंग प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। ठीक है, या फिर मान लीजिए वर्षा बहुत ही कम हो रही है, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए सीजन के हिसाब से उतनी नहीं हो रही है, उससे कम हो रही है या बहुत ही कम हो रही है, तो वर्षा के अंदर जो परिवर्तन होता है इसकी अमाउंट के अंदर या सेंटीमीटर्स के अंदर जो चेंज होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। इसके अलावा कुछ एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, कुछ चरम घटनाएं होती हैं, ठीक है, उनमें भी वृद्धि जो है या इंक्रीज जो है वो हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा सर्दी में बहुत ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, ठीक है, और इसके अलावा अगर गर्मी के अंदर अपने बात करें समर सीजन में तो लू चलती है ना, गर्म हवाएं, तो ये एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं या चरम घटनाएं होती हैं जिनका क्रॉप प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा बाढ़ जो है, ठीक है, फ्लड आ गया, तो फ्लड आने की वजह से वाटर लॉग्ड कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसका क्रॉप प्लांट्स के ऊपर बैड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अपने एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं, वायुमंडल की, तो उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो बढ़ जाए तो भी प्लांट्स के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, या फिर जो ओजोन होती है ना, उसका जमीनी स्तर जो है अगर वो बढ़ जाता है, जो ओजोन है वो एक पॉल्यूटेंट है, ठीक है, एक प्रदूषक है, कहाँ पर, क्षोभ मंडल के अंदर, या हम कह सकते हैं जमीन के पास अगर ओजोन की मात्रा बढ़ रही है तो ये एक पॉल्यूटेंट या प्रदूषक की तरह कार्य करता है। ठीक है, लेकिन अगर ओजोन मंडल के अंदर ओजोन है तो वहाँ पर ये सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, ये यूवी रेडिएशन को या पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो अगर जमीनी स्तर ओजोन का बढ़ रहा है तो उसका भी प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक मौसमी विषमता हो सकती है। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज होते हैं, है ना, समुंदर के पास वाले जो क्षेत्र हैं वो कोस्टल एरियाज कहलाते हैं, या तटीय क्षेत्र उनको बोल देते हैं। तो अगर मान लीजिए सी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, समुद्र का जो स्तर है उसके अंदर जो जल की मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है, तो इससे होगा क्या, जो कोस्टल एरियाज होंगे या तटीय क्षेत्र होंगे उनमें बाढ़ आ सकती है।
है ना, फ्लड आ सकता है और इस फ्लड का क्रॉप प्लांट्स के ऊपर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है वाटर लॉगिंग की वजह से, है ना। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं अभी। अब ये जो सीजनल वेरिएशंस हैं या मौसमी विषमताएं हैं, इनका कृषि क्षेत्रों पर, है ना, या एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका फसलों के ऊपर, सबसे पहले क्रॉप्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, यील्ड जो है वो कम हो सकती है। इसके अलावा बागवानी या हॉर्टिकल्चर के अंदर जो भी वेजिटेबल्स हैं, है ना, फ्रूट्स हैं, उनकी क्वालिटी डाउन हो सकती है या उनके प्रोडक्शन के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा जो लाइफ स्टॉक होता है, पशुधन, ठीक है, वो भी प्रभावित होता है। इसके अलावा फिशरीज, जिसको मछली पालन बोल देते हैं अपने, ठीक है, तो वो भी प्रभावित होता है। इसके अलावा पोल्ट्री फॉर्म जो है, मुर्गी पालन, तो उसके ऊपर भी इन सीजनल वेरिएशंस का प्रभाव जो है वो पड़ता है, ठीक है। जो क्लाइमेट चेंज होता है या जलवायु के अंदर जो परिवर्तन होता है, उसका मेन रीजन या मुख्य कारण क्या होता है? अगर एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, ठीक है, वो अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएं, अनकंट्रोल्डली वो इंक्रीज हो जाएं, और ऐसा ही हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसों की मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, दूसरे नंबर पर मैथेन का नाम भी आता है, कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन ये दो मुख्य हैं। तो इन गैसों की जो मात्रा है वो लगातार एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से जो जलवायु है या क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है या परिवर्तित हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब अपने देखेंगे कि जो सीजनल वेरिएशंस होती हैं उनका क्रॉप प्लांट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या फसलों के ऊपर क्या उसका इफेक्ट होता है। तो जो सिंचित क्षेत्र होते हैं, यानी इरिगेटेड जो एरिया होते हैं, जहाँ पे इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन हम लोग बोल सकते हैं, के द्वारा क्रॉप्स के अंदर इरिगेशन या सिंचाई की जाती है, उन क्षेत्रों के अंदर जो जलवायु परिवर्तन होता है या क्लाइमेट चेंज होता है, उसका क्रॉप की यील्ड के ऊपर या फसलों की उपज के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उपज जो है वो कम हो जाती है प्रति हेक्टेयर। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है सिर्फ दो मेन सीजनल वेरिएशंस की वजह से। ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर राइज, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर राइज है, ये कब होता है? समर सीजन के अंदर होता है। समर सीजन में टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री, 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, है ना, कई एरियाज में तो 50 से भी ऊपर निकल जाता है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं उनमें एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन, है ना। अगर मान लीजिए सॉइल के अंदर या मृदा के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी है, कमी है, और वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूअसली प्लांट्स के अंदर हो रहा है हाई टेम्परेचर की वजह से या उच्च तापमान की वजह से, तो होगा क्या, जो प्लांट्स के टिश्यूज होते हैं या उत्तक होते हैं उनसे वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है, जल की हानि होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है भाई, विल्टिंग आती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं वो पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं। अब ये जो विल्टिंग है या मुरझाना है उनका, अगर ये स्थायी हो जाए, परमानेंट विल्टिंग आ जाए अगर, तो प्लांट जो है वो डेड हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्रॉप प्लांट्स की यील्ड है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा जो मुख्य कारण है, जल उपलब्धता में परिवर्तन, चेंजेस इन वाटर अवेलेबिलिटी। अब वाटर की जो अवेलेबिलिटी है या जल की उपलब्धता है वो किस प्रकार से फसल को प्रभावित करती है? आपने देखा होगा कि जो नहरों के अंदर पानी आता है वो हर वर्ष एक जैसा नहीं चलता, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहाड़ों पर बर्फ ज़्यादा पड़ गई, बरसात पीछे, बरसात जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो जो इरीगेट नहरों के अंदर जो पानी है, जो कैनाल वाटर है, वो कंटिन्यूसली आता रहेगा, ठीक है, तो सिंचाई का पानी हमें ज़्यादा उपलब्ध होगा। लेकिन मान लीजिए बर्फ नहीं पड़ी पहाड़ों पर, हिली एरियाज में, ठीक है, और बरसात वगैरह भी ज़्यादा नहीं हुई, तो वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, जल की कमी होगी तो नहरों के अंदर पानी जो है वो कम हो जाएगा, तो इसका क्रॉप की यील्ड के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है, है ना, जो प्लेन एरियाज होते हैं या मैदानी क्षेत्र होते हैं उनके अंदर, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उससे इरिगेशन किया जाता है कई एरियाज के अंदर, तो ग्राउंड वाटर जो है उसकी क्वालिटी के अंदर भी परिवर्तन आ सकता है, है ना। जैसे मान लीजिए पहले जो पानी था वो मीठा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी उसकी जो क्वालिटी है वो परिवर्तित हो जाती है,
जैसे जैसे हम लोग पानी अंदर से निकालते जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं या कारक हैं, दो मुख्य मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से क्रॉप प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो रेनफॉल पर डिपेंडेंट एरियाज होते हैं, जहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है। ठीक है, उनमें जो क्लाइमेट चेंज होता है या जलवायु परिवर्तन होता है, उसका भी फसलों के ऊपर या क्रॉप प्लांट्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा दो सीजनल वेरिएशंस की वजह से हो सकता है। सबसे पहला रेनफॉल वेरिएबिलिटी या वर्षा में विविधता। अगर वर्षा मान लीजिए नॉर्मल से कम हो रही है तो यील्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर वर्षा जो है वो ज़्यादा हो गई, है ना, बहुत ज़्यादा हो गई, तो वाटर लॉगिंग हो सकती है, फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। तो वाटर लॉगिंग की वजह से भी प्लांट्स जो हैं वो डेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप की यील्ड के ऊपर या फसल की उपज के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है बारिश के दिनों की संख्या में कमी, रिडक्शन इन नंबर ऑफ रेनी डेज। जैसे मान लीजिए पहले जो वर्षा है या रेनफॉल है वो 40 दिन के लिए हो रहा है, ठीक है, पिछले वर्ष जो था वो 40 दिन के लिए हुआ, इस वर्ष मान लीजिए 30 दिन के लिए हुआ, है ना, तो नंबर ऑफ डेज या दिनों की संख्या में कमी आ गई। तो ये भी एक कारक हो सकता है जो कि वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल की उपज के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है। चलिए, अब हमें कुछ वैरायटीज या कुछ किस्मों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हम लोग राजस्थान के अंदर जो रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, है ना, या जो एबायोटिक स्ट्रेस होता है या अजैविक प्रतिबल होता है, उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं या प्रतिरोधी किस्में हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर जो क्लाइमेट रेजिलियंट वैरायटीज हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। जलवायु लचनशील किस्में इनको बोल देते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज को या जलवायु परिवर्तन को सहन कर सकती हैं, जिससे इनकी उपज के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उपज लगभग स्टेबल या स्थायी बनी रहती है। तो राजस्थान के अंदर ही हम लोग बात करेंगे। जैसे सबसे पहला आता है सूखा प्रतिबल जो होता है, ड्रॉट स्ट्रेस। ठीक है, जल की कमी हो जाए मान लीजिए अगर सॉइल के अंदर या मृदा के अंदर, तो उसके अगेंस्ट भी कुछ फसली किस्में या क्रॉप वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं अलग अलग फसलों के अंदर। तो इसमें देख सकते हो आप, जैसे राइस या धान के अंदर अशोका 200F, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है। मक्का या मेज़ के अंदर है माही धवल के नाम से। उसी तरह से पर्ल मिलेट या बाजरा के अंदर कुछ किस्में हैं जिनके नाम ध्यान में रखने हैं, राज 171 बोल देते हैं इसको, GHB 538, RHB 177, उसी तरह से HHB 67I और RBH 154, 173 और 177, ये तीन वैरायटीज RBH के नाम से हैं। तो ये बाजरा के अंदर या पर्ल मिलेट के अंदर कुछ किस्में हैं। सोरगम की बात कर लेते हैं, ज्वार में एक किस्म का नाम ध्यान में रखना है, CSV 17 या CSV 17 बोल देते हैं, ग्रीन ग्राम के अंदर, हरे चने के अंदर, RMG 268। ठीक है, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी है। मोट बीन के अंदर RMO के नाम से कुछ वैरायटीज आती हैं, 40, 225, 297 और 425। इसके अलावा CZM के नाम से तीन वैरायटीज हैं, 1, 2 और 3। पीजन पी अरहर के अंदर तीन वैरायटीज हैं इसके अंदर, ICPL 87, ICPL 151 और तीसरी है पारस। और ग्राउंडनट के अंदर दो वैरायटीज आपको ध्यान में रखनी है, ICGS 5 और CSMG 84-1। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है भी विलंबित मानसून के लिए, यानी डिलेड जो मानसून है अगर वो डिले हो जाए। ठीक है, जो वर्षा है उसका जो टाइम है अगर वो लेट हो जाए, तो उसके लिए भी कुछ वैरायटीज़ हैं क्रॉप की जो डेवलप की गई हैं, है ना। बाजरा के अंदर अगर अपने पर्ल मिलेट की बात कर लेते हैं, तो उसमें HHB 67, HHB 67I, RHB 177 है, ICMH 356 है, PAC 981 है। तो ये कुछ वैरायटीज हैं बाजरा के अंदर। ग्रीन ग्राम में एक वैरायटी का नाम ध्यान में रखना है, SML 668। मोट बीन के अंदर कुछ वैरायटीज हैं, RMO के नाम से तीन वैरायटीज हैं, RMO 40, 225
एंड 4 to 5, और RMB 25 है, इसके अलावा RCG 1033 है, इसके अलावा CZM के नाम से 3 वेराइटीज़ हैं, 1, 2 एंड 3। सोयाबीन की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 2 वेराइटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, JS 2034 और JS 9560। काउपी के अंदर 2 वेराइटीज़ हैं, RC19 और RC101। उसके बाद उच्च ताप प्रतिबल यानी हाई टेम्परेचर अगर स्ट्रेस होता है तो राजस्थान में उसके लिए कुछ क्रॉप वेराइटीज़ दी गई हैं जिनके नाम ध्यान में रखने हैं, जैसे ग्रीन ग्राम के अंदर IPM 23, IPM 214, LGG 460, LGG 410। मोटबीन के अंदर कुछ वेराइटीज़ हैं RMO के नाम से हैं 3, तो RMO 40, 225 और 425, और एक वेराइटी है RCG 1033, और कॉटन के अंदर एक वेराइटी का नाम ध्यान में रखना है RST 9। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।